अज बेटा जी चार्ज फरेब होने पर बहस हुई है, जिसे 21 मुलजमान के वकील पेश हो गए, दो दे बाकी रह गए। उन्होंने जज साहब ने डेट है जी 12 देती, 12-12 है ना, 12-12 ही ना, 12-12 डेट देती है। तो बस 12 में भी हो सकते हैं, ज हो सकता है एक अद्धी डेट जज साहब होर अगे दे देन, तो चार्ज फ्रेम होकर कुछ ना कुछ केस अगे चलता लगता है। पिछले बार भी यही उम्मीद सी, अज फिर अगली तरीक ते फिर जिहड़े दोषी ने वो कोई ना कोई कारण लभ लैंदे ने कई बार, है ना। जिस तरह 21 तो अज पेश हो के उन्होंने जी बहस कर ली है, परंतु दो फेर कह गए साढ़े को फलाना रिकॉर्ड नहीं है, वह दो फलाना मुहैया कराओ। तो हूँ आप केस नूं तेज करन वाले आप ही हैं कल्ले, तो बाकी जिहड़े 25-30 जने ने वो केस नूं खिंचण वाले ने, लत्तां खिंचण वाले ने पिछे भी जो होर अगे हो जाए होर अगे हो जाए, तो वो कुदरती गल है। वैसे अदालत का रुख है जो वधिया है, उन्होंने बहुत ही कोई ज़्यादा सहमति नहीं जताई इस गल नाल, ते चाहुंदे आ भी जल्दी चार्ज फ्रेम। लॉरेंस का भाई कोई असर पऊगा क्योंकि उहदे पाबंदी लई एक साल? लॉरेंस ते तां हाले मेरा ख्याल है क्योंकि जिन्ना चिर उत्थे जाके 268 दे अंडर करता जाके कोई बहुता असर तां कोई लगता नहीं हैगा। परंतु मैं जे अपनी लोकल अदालत की गल देखा तो अदालत की प्रक्रिया सही चल रही है। देखो तो तुसी सरकार दा पिछले 7 महीनों तो जो रवैया तुसी वेख रहे हो, तो गौरमेंट बार बार एग्जैक्टली ना मैं जो जवाब दावा दिता वो नहीं हाले तक पढ़िया, परंतु जो मैनू बाहरों सुनने से थोड़ा बहुत पता लगे भी उही गल्लां नू गौरमेंट रिपीट कर रही है, सानू समा होर दिता जाए। वैसे जज साहब ने बहुत इस गल तो फटकार भी लगाई है उन्होंने भी, तुसी जे 7 महीनों के नहीं उस चीज़ का जवाब दे सके तो हुण 2 महीनों के की दे रहे हो, तुसी जिन्ना कि तुसी एफीडेविट दिता है। तो जज साहब ने यह भी कहा इन्हों भी सानू पता है भी तुसी तो अगे नहीं बढ़ोगे, सरकार की मंशा तो अदालत मान जो कोर्ट में दिख रही है सारी गल भी ना, ये केवल तो केवल टाइम पास करने वाली गल कर रहे हैं, एक तरह के नाल गैंगस्टर की खुलेआम मदद हैगी है, क्योंकि स्टेट नूं होना तो पीड़ित व्यक्ति के नाल चाहिए सी, पर बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा भी जिहड़ी साडी स्टेट है वो गैंगस्टर के हक च भुगत रही है।